ट्रेसी एरी और मातरी वहाँ बातचीत वगैरह ही कर रही है भैया। तीन चार पाँच छः सात आठ बंदे और अकेला, इससे ज़्यादा सुकून नहीं चाहिए। मेरे दोस्त को जिसने मारा मैंने उन्हें मार दिया, इससे ज़्यादा क्या ही सुकून लूँगा मैं। यहाँ बैठ के गाइस यहाँ से सिस्टम से डीजे चलता है जिसको दीवानी। ओ हाँ एक बात होती है ना कि हाँ भैया आवाज देख रहे हो, आवाज सुन रहे हो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि क्या सीन चल रहा था। लास्ट में पिताजी मेरे पास आते हैं, मुझे लेके जाते हैं। पहले मुझे बताते नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हैं, फिर जब आते हैं और बताते हैं कि ये शोरूम उन्होंने मेरे लिए परचेज कर लिया है, जो कि मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि, और मैंने पहले भी उन्हें मना करता कि ये शोरूम वाले काम मुझे नहीं करने हैं। गाइस आपको भी याद होगा, तो पिताजी माने नहीं, शोरूम परचेज कर लिया। फिर हमारी थोड़ी सी बहस हो गई कल, उसके बाद अभी पिताजी और मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। आज वो मीटिंग के लिए गए हैं, तो मैं सोचा आज आपके साथ किडिंग मैं ही कर लेता हूँ गाइस। और आप देख सकते हो तो ऐसे पिताजी ने, मैं जो शोरूम है ना, मैं आपको एक बार लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको अच्छी तरह कि कैसे क्या क्या सीन है। और यार सच बताऊँ तो गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं है शोरूम चला रहेगा। आप बताओ आप क्या चाहते हो कि मैं शोरूम ऐसे काम कुम करूँ शोरूम को? तो यार मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि यार मैं शोरूम में उधर काम करूँ, यार बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ वो आपको अभी थोड़े देर महीने या फिर अगली वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं गाइस। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने नहीं करा है। पिताजी गए हुए हैं और सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि मेन सीन ये था ना, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी मीटिंग थी। तो सही है, मीटिंग के लिए चले गए। भैया प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे यहाँ के, तो मीटिंग बनता ही है उनका। और साथ ही साथ ये देख सकते हो माता जी वगैरह यहाँ बैठी हुई है। मेरे को जो खाना था मैंने वो भी खा के बैठा ही हूँ, वो देखो मैं आपको इनसे दिखा दूँ। मैंने अभी इनसे भी मन किया बात करने का, क्योंकि इन्होंने एक मेरे को डांट दिया कि भाई एक तो तेरे इतना सब कुछ कर रहे हैं और तू उसे करना नहीं चाहता है। देखो ट्रेसी ये रही और माता जी वहाँ बातचीत वगैरह ही कर रही है, भैया अपनी ऐसी ऐसी कराओ। और एक और चीज़, घर में जो सामान वगैरह आना था गाइस वो आज आ जाएगा, जो पिताजी ने मेरे को कही थी। ठीक है, गेट क्यों बंद कर रखे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ ठीक है। तो गार्ड वगैरह है वो सबको भेज दिया गया आज के लिए, क्योंकि आज घर में काम होना है, इसलिए गाइस उन सबको भेज दिया। तो आप देख सकते हो अभी कोई भी गार्ड वगैरह यहाँ पे नहीं है, काम होना है। और जो जो चीज़ें होनी है वो जब भी हो जाएगी मैं आपको बता दूँगा, पर आज सामान आ जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पे भी मैं सोचा कुछ अलग अलग लगवाऊँ, जो जो चीज़ होगी मैं आपको तसल्ली से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको ना एक वो शोरूम वाली चीज़ क्लियर कर दूँ कि यार मेरा क्यों नहीं मन कर रहा है। मेन बात, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ गाइस उसे लेके कि यार मेरे को शोरूम के लिए अपनी गाड़ियों के लिए गाड़ियाँ लेके आनी है। ऐसा नहीं है कि काम बुरा है, काम अच्छा है, पर यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी कि शोरूम का काम करूँ। जो मैं करना चाहता हूँ ना मुझे वो करना है। और वो क्या करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपको आने वाली कुछ वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा। एक बार तसल्ली से पिताजी के साथ बातचीत वगैरह करेंगे, क्योंकि देखो यार ऐसे बिना बातचीत करे तो कुछ होगा नहीं ना। अरे तेरी भैंस, लो भाई लो, मेरी गाड़ी का तो इतना कुछ हुआ नहीं, उसकी गाड़ी का भैंस की यहाँ कैसे फुद्दू बंदे होते हैं गाइस। नहीं हुआ यार, मेरी गाड़ी की भी ऐसी तैसी हो गई एकदम से कट, बिना इंडिकेटर के। किसने सिखाया भाई तेरे को लेना, मुझे ये बता दे, सुन रही है? ये तो टप्पक ही गई क्या? निकालो भाई से, बाहर निकालो, चला बाहर। तेरी भैंस की आँख, अबे यार यहाँ तो पंगे पंगे हो रहे हैं गाइस। अब क्या करूँ, मैं फ़ोन करूँ क्या किसी को? पर मैं क्यों करूँ फ़ोन, मैं तो जा रहा हूँ भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। ऑटोमेटिक अभी आ जाइए एम्बुलेंस, कोई ना कोई तो सामने से फ़ोन कर ही देगा। अब मेन सीन ये है ना, देखो मेरी गाड़ी का क्या नुकसान होगा, यही यार मैं इसलिए नहीं गाड़ी का चलाने का मन नहीं करता। ऐसे लोग में, ऐसे सड़क में ऐसे फुद्दू फुद्दू लोग होते हैं गाइस, अब क्या ही करेगा, तो किस्मत ही हो गई फुद्दू, फिर की करेगा बोन बेटा। तो मेरे को जिग्गू के पास भी जाना, और जिग्गू से मैंने काफ़ी मस्त बातचीत वगैरह करी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बातचीत थी क्या नहीं। पर वो जो लोकेशन है मुझे वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ सामने ही है गाइस मेरे ख्याल से। अब मैं आपको शोरूम लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ तो। अब तेरी राजा आ जा, चिपक लेना मेरी गाड़ी में ही भूत, नहीं ये दिमाग खराब कर रखा यार, भैंस की दिली खराब है, आपकी गाड़ी ठुकी है गाइस, क्या ही होगा मेरा। अरे तेरी सासू की जय हो। तो गाइस ये रही वो जगह जहाँ पे पिताजी ने शोरूम लिया है, लिया क्या मतलब काम कुम करवा के इतना बड़ा बुरा खड़ा कर दिया है। अब मेन सीन ये देखो, शोरूम तो ले तो लिया, अब एक चीज़ उन्होंने ये सोची नहीं, चलो यहाँ से गाड़ियाँ चले जाएगी, ठीक है ये भी मैं कुछ नहीं कह रहा, चलो ये पिलर पुलर हट जाएंगे, यहाँ से गाड़ी जाएगी और यहाँ पीछे की साइड से चले जाएगी, ठीक है अब ये पूरा बंद है, पीछे की साइड से गाड़ियाँ जाएगी और यहाँ से सारी गाड़ियाँ जितनी भी लोड वगैरह होकर आएगी अंदर वगैरह जाएगी। ये हो गया लिफ्ट वगैरह,
मैंने हल्का ही देखा था, फिर इसलिए मैं आपको आपके सामने खुद देखने के लिए आ गया और देखना है क्या क्या कमियां हैं इसमें। ठीक है, ये गेट का है, एक तो गेटों का भी तो नहीं पता चलता यहाँ पे। अच्छा ये गेट है गाइस, ठीक है। शीशे देखो कैसे वाले लगाए यार, बंदे से पूछो तो सही जिसके लिए काम करवा रहे हो, एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, तो एक तो ये शीशे देख लो और एक तो ये आप चीज़ें देख लो। चलो ये नीचे फ्लोर काफ़ी अच्छा, अंदर लाइट्स बाकी काफ़ी कम है, और बाहर की लोकेशन भी तो देखो, ये चीज़ भी तो देखो ना गाइस। चलो लोकेशन भी कभी हो ही जाएगा, ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ज़्यादा गंदी है, पर जो बाहर का ये काम करवा रखा है ऐसे कलर की कौन ही करवाता भाई, मेन बात तो ये है ना। और मैं ऊपर लेके चलता हूँ गाइस, गाड़ी बाकी प्यारा है, ऐसा नहीं कह रहा मैं फुद्दू है। अगर जैसे मैं ऊपर लेके गया आपको, एक तो जगह ऐसे में बना रखा है और अंदर से बिल्कुल मस्त है पर बाहर से फुद्दू सा लग रहा है गाइस ये। और ये देख लो आप, आपको कैसा लग रहा है गाइस एक बार कमेंट में बताओ यार। मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है, ऐसे गंदा भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा ये मन नहीं है भैया ये काम कुम करने का। बाकी ठीक है, ये पिताजी ने मीटिंग मुटिंग के लिए जगह बनवाई थी, फ्रैंकलिन के लिए मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात है, फिर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था भाई, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करने का क्या नहीं। और दिक्कत मैंने आपको बताई दी यार, पीछे से गाड़ियाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से गाड़ियाँ आ तो जाएगी। मेन बात है जब गाड़ियों का हम लोड मतलब पूरा स्टॉक वगैरह मंगाएंगे अच्छा खासा, ठीक है, ऐसा तो नहीं दो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे शोरूम में, आपको भी पता है स्टॉक तो अच्छा खासा ही आएगा गाड़ियों का, तो ना रखेंगे कैसे, मतलब आएगी कैसे वो अंदर। अरे खुल जा भाई, ये देखो ये नया आई है, इतना टाइम लगा रहा है, वाह अरे वाह। अब इतनी सी जगह में ट्रक कैसे घुसेगा इतना बड़ा वाला, पिताजी ने ये नहीं सोची। ठीक है चलो कोई नहीं, ट्रक को कभी कैसे ना कैसे कर लेते, ये हटवाना पड़ता। और देखो इस साइड से क्या सीन है, मतलब यार पार्किंग वाली लोकेशन खरीद के, क्योंकि सरकारी पार्किंग थी गाइस आपको बताऊँ तो, ये लोकेशन में इन्होंने काम करवा दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भाई अपनी तो चलाएंगे ही। ठीक है, मेन काम ये है। ओके तो ये देख लो ऐसा कुछ लगता है बाहर से। अब आप बताओ ये शोरूम, मेरे को तो लगता कहीं से कि बाहर से ये शोरूम है। चलो बाकी देखते हैं गाइस क्या हुआ क्या नहीं यार, बाकी मेरा मन तो यही है कि मैं नहीं करूँ ये काम। और अब मैं जाने वाला हूँ गाइस फिलहाल तो वहाँ पे अपने दो जिग्गू के पास, क्योंकि उससे मुझे काम है, वो कह रहा था यार थोड़े से पंगे पुंगे हो रखे उसके, तो मैं कह चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, तेरे पंगे भी सॉर्ट आउट करवाते हैं, किसके साथ पंगे करने लग गया गाइस वो, जो भी पंगे हो मुझे बुला लेगा। तो लेट्स गो चलते हैं उसके पास, उससे बातचीत वगैरह करके फिर आपसे मिलते हैं गाइस हम। तो ठीक है गाइस, अब आप देख ही सकते हो कि मैं जिग्गू के पास आ गया था, जिग्गू से सारी बातें हो गई है कि क्या क्या सीन हो रहा है, फ़ोन में अंदर रख दूँ। अब फ़ोन मैंने क्यों निकाला था, मैं उस बंदे को सीधा धमकी दे दी है, लोकेशन उसने मुझे बता दिया कहाँ पे आके मिलना है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा तू वहीं रह, बस पहुँच रहे हम बस 5 से 10 मिनट के अंदर। अब जो बंदा जिग्गू को तंग कर रहा था गाइस, हम उसके पास जाने वाले हैं, और ये वाली गाड़ी लेके नहीं जा रहा मैं मर्सिडीज, क्योंकि इसके हालात आपने देख लिए क्या हो रखी है, अभी आपको दिख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ओके, पर मैं एक बार चला के दिखा दूँ। जिग्गू बैठ जा गाड़ी में, चल ठीक है, अरे वैसे क्या करेगा बैठ के बिठाना तो उसमें, ये देखो गाइस ये देख रहे हो पूरा अलग हो रखा है, ऐसा नहीं कि ये देखो ये पूरा अलग हो गया, तो फिर इसको ऐसी बेइज्जती वैसे गाड़ी नहीं चाहिए ना मुझे, कि भैया बोलेगा ठुकी गाड़ी लेके आ रखा बंदा क्या ही लड़ेगा, इसलिए ये ठुकी गाड़ी मैंने यहीं खड़ी कर दी है। जिग्गू की गाड़ी में हम जाने वाले जो कि है ये वाली स्कॉर्पियो, तो लेट्स गो जिग्गू छेदी छेदी बैठ जा भाई। और अब बनाते हैं उस लड़के को टोन, लोकेशन बता दिया उसने कि कौन सी लोकेशन पे है वो, और हम लोकेशन पे ही जाने वाले हैं। अब देख लो एक नंबर का मजा आने वाला है गाइस, खैया मैंने वाली गाड़ी खड़ी कर भी दी क्योंकि स्कॉर्पियो चलाने में अलग ही मजा आता है गाइस, वो मजा मर्सिडीज में का, हाँ मजाक कर रहा हूँ भैया, बाकी स्कॉर्पियो अपनी जगह है मर्सिडीज अपनी जगह गाइस, ऐसी बात है। तो जा रहे हैं खुलने, मैंने बोल दिया, वो भी उसी की लोकेशन में जा रहे हैं जो उसने हमें बताया है, मैंने कहा तू खुद बता दे भाई हम कहाँ पे आए, और वहीं पे हम जा रहे हैं, और उस आमने सामने बातचीत नहीं करने वाला, मैं सीधा पेल हुआ क्योंकि एक थप्पड़ उसने जिग्गू को मार दिया है। ठीक है ये बात है गाइस, या फिर देखते क्या सीन होगा क्या नहीं, लेट्स सी, क्योंकि आपको तो पता हम नहीं डरते किसी से। जिग्गू को मैंने बोल दिया तू बीच में नहीं आएगा, ठीक है बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा गाइस, ये मैं खुद ही देख लूँ अब क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि जिग्गू बीच में आया फिर मैं नहीं चाहता कोई और अभी दंगे वगैरह हो, इसको पहले हल्की सी चोट वगैरह लगी पड़ी है, क्योंकि उस दिन जब एक थप्पड़ के बाद ना उसके दो दोस्तों ने उसे फिर पकड़ के मारे थे, तो वही बदला लेना, मैंने ऐसे एक आधे थप्पड़ के चक्कर में नहीं मारता मैं जिग्गू की लड़ाई में, ऐसे बहुत कम जाता हूँ मैं, तो फिर भी अब तो जाना पड़ेगा ही, तो लेट्स गो चलते हैं लोकेशन और फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है गाइस हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और ये वाली लोकेशन उन्होंने बोली है, लोकेशन आप देख ही लो कि कैसी लोकेशन है ये। ठीक है तो ये देख लो यहाँ पे जो वाइनवुड वाला आपको पता होगा एक बड़ा सा ये लोगो सा लगा हुआ है, तो वहीं पे हमें जाना है, और उसने बोला वहीं पे उसके नीचे आ जाओ, वो ज़्यादा अकड़ के बोल रहा था। वेट अ सेकंड भाई साहब मैं अपने कट्टे वो निकाल लूँ, भैया मैं तो ऐसे जाऊँगा, ये रहा ना मेरा, यूँ जाऊँगा गाइस, मैं नहीं डरता किसी से।
ये लेके जाऊंगा मैं भी अपना। चलो लेट्स गो, मस्त अपन जाने वाले। जिग्गू पीछे है, जिग्गू तो मना कर रहा है कि रहने दे यार, जिमी क्यों पंगे ले रहा है, इसे पता नहीं भैया। अब तो आखिर मैं जब सैम के चक्कर में इतना युद्ध कर लिया तो दोस्त के चक्कर में भी मैं अपना इतना युद्ध कर ही सकता हूँ। बेसबॉल अपना बैट लेके जाऊंगा, फिर देखते क्या सीन होगा क्या नहीं। तो ये ओ भाई तेरी भैंस की, मेरे को तो लग रहा था मजाक ही। तो भाई कितने बंदे हैं? तीन गाड़ियां गाइस, तीन गाड़ियां मुझे दिखी है तेरी भैंस की। हाँ फिर भी हम तो आखिर हम नहीं डरते गाइस, ये तो बंदे ज़्यादा हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंदे और मैं अकेला। मेरी बात सुन ओ जिग्गू, गाड़ी के बाहर जरूर आ जाओ पर मेरे पास आने की कोशिश मत करियो, देखो मैंने बोल दिया। ठीक है ठीक है जिग्गू। अबे भूतनी का उसे कैसे मार रहा है? अरे तेरी तुम्हारी ऐसे ऐसी कर दूंगा मैं, चल दूर हो, पीछे हो जाओ पीछे, मैं कह रहा हूँ उसे हाथ नहीं लगाया कोई भी। जिग्गू रहने दे, जिग्गू मैं क्या कह रहा हूँ, वो तेरी भैंस की आँख, ये तो ज्यादा बंदे हो गए, सबकी कह के ले लूँ, हटो तुम्हारी भैंस की आँख। ओ भाई ये तो बड़े गंदे मार रहे गाइस, अरे तेरी हट जा तुम्हारी ऐसी कैसी, अरे गाइस मैंने क्या सोचा था, ये तो तेरी भैंस की आंख, दूर हो जा दूर हो जा, इन्होंने तो कह के ले ली, हट तेरी भैंस की आंख, ये ले। और कहां है वो मेन बंदा, कहां इनका वो रहा गाइस, वो जिग्गू को मार रहा है मेन बंदा। जिग्गू नहीं मार, जिग्गू पहले से, जिग्गू उसी को खुद ही मार रहा, बाकी को मैं संभाल रहा हूं गाइस, आप देख ही लो। ये लो भाई तुम्हारी ऐसी कैसी, ज्यादा करोगे, मैं तो जिग्गू को समझाने आई तो पीछे से दौड़े दौड़े आ गए। तेरी भैंस की, जिग्गू को पेल दिया इन्होंने, ये ले भाई हैं, जिग्गू को कैसे पेला तुमने, अरे तेरी भैंस की आँख, चल पीछे हो, ओ तेरी हट जा पीछे, हट तेरी भैंस की आँख। हाँ भाई ज्यादा चौड़ा हो रहा था, यही है गाइस मेन बंदा, ये था मेन बंदा, तेरी भैंस है। जिग्गू को मारेगा थप्पड़, इस बात के कड़े थे ना, ये ले भूतनी का हाथ मत लगा दियो, आगे से कह रहा हूँ तेरे सारे बंदे जो भी थे लेट गए हैं, तेरी भैंस की मेरा मारेगा, ये ले भैंस, हट पीछे हो तू भूतनी के, हैं ज्यादा करेगा क्या मेरे से, देख रहे हो गाइस, ये यही है वो मेन बंदा जिसने जिग्गू को पेला था, ये ले तेरी जिग्गू बेहोश हो गया यार, हट तेरी भैंस की यहाँ, उठ ना, ये तो भाई बहुत अकड़ रहा, सबको लेटा दिया गाइस, एक यही रह गया, ये ले भाई ये ले लो ना मुझसे पंगे लोगे तुम। जिग्गू को पानी पिलाता हूँ गाइस, उठाता हूँ जिग्गू को। जिग्गू भाई दो डंडे तो सह लिया, दो डंडे भी नहीं सहा जाते क्या तेरे से, कैसा आदमी है यार तू। और अभी गाइस ये सारे बेहोश पड़े, जिग्गू आजा हम लूंगे इनकी गाड़ियों के साथ मजे, इनके साथ तो मजे ले लिए गाइस हमने यार, वैसे बड़ी जोर का डंडा लगा गाइस मेरे, जो लगा है ना इतनी तेज डंडा मारा उन्होंने, इनकी भैंस की आंख, रेंज रोवर विच मारे गेड़ियां हैं, रेंज रोवर लाओगे तुम्हारी भैंस की आंख, ये ले शीशा गया, सबके शीशे ही फोड़ दे तो ज्यादा नुकसान भी क्या ही करना, बेचारों के माँ बाप इनकी कह के ले लेंगे, इसीलिए नहीं भाई नुकसान तो करना बनता ही है गाइस। ये ले भाई ये भी गया शीशे, अब बोलो ना हमसे पंगे लोगे हैं, ये देख लो गाइस शीशे में इनकी क्या हो जाएगी, क्योंकि शीशे इतने महंगे आते हैं इन गाड़ियों के, अब बोलो गाइस, अब देखो इनके साथ तो ऐसा करना बनता ही था क्योंकि ये जिग्गू को मार रहे थे भाई, इसका तो कितना टाइट है, चलो कोई नहीं इसका तो हम ये वाला इस वाली का फोड़ दूँ, अब हमसे पंगे, ये देख लो गाइस ऊपर के ये तोड़ दिए मैंने, ये ले भैंस की आँख, ले जिग्गू भाई अब बता दो कुछ और करना हो तो, ये ले इनकी बॉडी को भी थोड़ा बहुत डैमेज तो देना तो बनता ही है गाइस, ये ले ये गया यहाँ का शीशा भी पीछे का शीशा भी, जा इन रेंज रोवर में नंबर प्लेटें भी नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बदमाश है ना ये, मन तो कर रहा फोड़ दूँ पर फोड़ूंगा नहीं, इनकी गाड़ी गुड़ी ज़्यादा दुश्मनी नहीं चाहिए मुझे, इनको एक बार वो हो जाना चाहिए ना कि हाँ भैया हमसे पंगा लोगे तो ये होता है वो, मैं देख रहा गाइस, ये देखो भैया रेंज रोवर में तो डेंट मार दिया मैंने अच्छे खासे, ये ने भैंस किया, और ये जो लाल वाली है ये उसकी है, मेरे को बाकी तो फिर इसके दोस्तों की होगी इतना तो पक्का है, ये लो भाई फिर इनकी भैंस की आँख, ज्यादा देखो खड़े कैसे थे पूरी एकदम से, और मैं एकदम से जैसे जिग्गू से बात के करने लगा एकदम से आए और जिग्गू को मारने लगे, मेरे को नहीं मारा जिग्गू को, फिर मेरे को मारने लगे, ये ले भाई। बाकी आप में से काफी लोग कहोगे कि यार इनकी गाड़ी फोड़ दो, छोड़ो ना यार इतना भी क्या नुकसान करना इन बच्चों का, इनकी पहले खुद का इलाज कराएंगे, गाड़ी देख के इनको थोड़ा और सदमा होएगा कि यार ये क्या हो गया, इसीलिए ये ले भाई लाइटें भी तोड़ दी मैंने गाइस, ये भैंस की आँख तेरी, ये ले ये लो हो गया ना बस, और क्या ही चाहिए, इससे ज़्यादा सुकून नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को जिसने मारा मैंने उन्हें मार दिया, इससे ज़्यादा क्या ही सुकून लूँगा मैं, ये ले भैंस की आँख, चला जा जिग्गू बहुत पंती होगी, इससे पहले कोई हमें देखे यहाँ पे गाइस यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, यही सीन काफ़ी सही है कि भैंस की, देख रहे हो कैसे लेटे पड़े हैं सबके सब बेहोश, आप जल्दी निकल जिग्गू यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, लेट गेट ये देखो कैसे लेटे पड़े हो, हाँ भाई लेट्स गो, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा दूँगा सीधा रोड पे, क्योंकि यहाँ से ऊपर रोड पे चढ़ाने में फायदा, चढ़ जा भाई स्कॉर्पियो दम दिखा अपना,
चल 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 चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई गाइस कोर्ट पे चढ़ गई, मुझे लगा नहीं चढ़ेगी पर फाइनली चढ़ गई है। चलो और क्या ही चाहिए, इन दोनों ने मिलके जान मेरी लेनी, बाकी मजा एक नंबर का आ गया। चलो सही है। अरे यार ये फोन किस काने लग गया गाइस, देखते फोन आ रहा है और फिर देखते क्या सीन है क्या नहीं। गाइस मैंने तो अंधाधुंध डंडे मारे, मुझे नहीं पता चल रहा था किसको किसको मारे, मैंने एक आधा तो शायद जिग्गू को भी लग गया हुआ पर मैं नहीं रुका, मैंने हाथ घुमाए तो घुमा ही दिए, फिर मेरे को पता था एक बार रुक गया तो दोनों पिटेंगे क्योंकि शुरुआत में मेरे बड़े डंडे लगे थे, फिर नहीं रुका मैं। और हम यहाँ पे कहाँ आए मैं आपको बता दूँ, सैम का फोन आया था, उसने कॉलेज में मुझे बुलाया है और एक कुछ कह रही थी वहाँ पे कार्स वगैरह आ रखी है, वहाँ चलते वो देख के आ जाए क्योंकि उसे भी पता कि मेरे को एक कार तो लेनी है, तो इसीलिए मैं कह यार एक हाँ पंगे में अब इसको मना भी नहीं कर सकते, तो चलो कोई दिक्कत नहीं आ गए हम कॉलेज में, मेरा वेट ही कर दिया गाइस ये, तो लेट्स गो। चलो बढ़िया यार अच्छी बात है। या ये देखो यहीं खड़ी हुई है सैम, मेरे को लगा अरे भैया यहीं खड़ी हुई है, चल बैठ 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 सैम आ जा, तो लेट्स गो चलते गाइस सैम के साथ उस लोकेशन पे। बाकी मुझे हल्का सा काम है कॉलेज का, मैं वो करके जाऊंगा भाई, ऐसे नहीं जा रहा यार अब आया हूँ कॉलेज तो। ठीक है सैम बस 10 मिनट दे मुझे फिर चलते हैं। अरे यार तू समझती क्यों नहीं गाइस, मैं यही बोल रहा था क्या करूँगा मैं वहाँ जाके, कार मीट नहीं है गाइस, वो ना जैसे कि आपको पता जब हमारा डीजे शो था ना तो उसी डीजे वाले के पास कार्स वगैरह भी पड़ी है और उसकी एक डीजे वैन भी है, तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं बेसिकली, इसे देखने डीजे वैन वाली। ठीक है और मैं फिर ये कह रही कि तू कार भी देख लियो अपनी अपनी, मेरा तो मन नहीं था पर चलो कोई नहीं, ये मना कर रही है, ये बोल रही है कि चल 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 तो चलना तो पड़ेगा ही, तो लेट्स गो सैम आगे बैठ चल आ जा। ठीक है चल लेंगे भाई अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, ये देख रो चल भाई जल्दी जल्दी बैठ यार, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो इसके इतने से काम के चक्कर में मेरे को आना पड़ा, देख रो गाइस कहाँ से, पर चलो लेट्स गो अब निकलना तो पड़ेगा इसको, इसको कौन इसको ये नहीं बताना भैया मैं ऐसे दंगे दुंगे करके आया, नहीं तो बेटा मेरा मोर बना देती है गाइस ये, जिसने बोल रहा था छोड़ दे काम उसे कौन ही बताया हमारे काम ही यही है गाइस, तो लेट्स गो निकल गए हैं, लोकेशन थोड़ी सी दूर है, उस अंकल ने अपना जो डीजे वाला था हमारा उसने जगह बता दी, इस वाली जगह में आ जाओ, मेरे को लगा कोई कार शो वगैरह होगा यार वहाँ पे आती है तगड़ी तगड़ी कारें, चलो ठीक है यार देख आएंगे जैसी भी होगी, यार एक गाड़ी तो लेनी है, कब तक ऐसी वो सिमियन अंकल वाली मर्सिडीज चलाता रहूँगा और इसको ठोकता रहूँगा, अपनी भी लेऊंगा ना तो उसके साथ अलग ही मजा होगा, और ऐसी कार लूँगा जिसकी बॉडी इतनी तगड़ी हो हैवी हो मजा आ जाएगा इस, ठीक है क्योंकि उसके साथ अलग ही मजा आएगा। बाकी काफ़ी जल्दी शायद सैम और मैं कहीं घूमने जाएँ, शायद बोल रहा हूँ पक्का नहीं बोल रहा क्योंकि आजकल आपको भी पता है पिताजी और मेरे तो कैसी वार्तालाप वगैरह हो रहे हैं, दंगे तो हो ही रहे क्योंकि पहले वो बातचीत मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी पिताजी से, मतलब जो भी हमारी दिक्कत हो रही है वो सॉल्व करनी पड़ेगी पिताजी के साथ, फिर ही कुछ हो सकता है गाइस, जब ही कुछ होगा नहीं तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता फिर, तो यही सीन है। लेट्स गो पहुँचने वाले हम लोकेशन पे, और जी मैंने एक काम बोल रखा था जिग्गू से, देखते हैं उसने वो काम करा या नहीं, मैं आपको बताऊंगा, पहले कार देख लेते हैं यहाँ पे कोई कार पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक और कार मेरे को पसंद है और उसकी हमने बातचीत भी कर रखी है, मैं आज आपको दिखा दूंगा ठीक है कि कैसी वो कार है कैसी नहीं, और हो पाए तो मैं उसके शायद आज आधे पैसे दे भी आऊँगा फाइनल करके आ जाऊँ, अब फाइनल मैं जब भी करूँ, चलो आप सबसे आप सब एक बार देख के बता देना गाइस कि कार कैसी है कैसी नहीं, जब भी फाइनल करूँ ऐसे फाइनल नहीं करने वाला मैं, बच गया भाई बच गया, हल्की टच हुई है इतनी सी ये तो कपड़ा मार के साफ हो जाता है। और बातें करते करते गाइस पहुँच चुके हम लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था, जहाँ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे है उन अंकल जी का घर जो डीजे वाले अंकल थे, उन्होंने मेरे को बुलाया भी कैसी जगह में, तो ओ तेरी भैंस की आग, चलो अरे सॉरी भाई क्या गाली दे रहा है पागल आदमी, लेट्स गो, कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे, हम पहुंच गए अड्डे पे जहां हमको जाना था, तो देख रहे हो गाइस ये वो लोकेशन है जहां अंकल जी ने हमें बुलाया है, अब देख सकते हो कितनी दूर थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था यार यहां आने का पर चलो कोई नहीं, यही है ना यही कट बोला था शायद मेरे ख्याल से उन्होंने, मुझे पक्का श्योर भी नहीं हो कि यही कट, अरे यार अगला कट है ये खड़ी गाड़ी है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ये ओके, तो इस वाले कट में अंदर कैसे लेके जानी है सैम, अच्छा ये रही जगह, पर यहाँ से अंदर कहाँ जाएगी, और अंकल कहाँ है, अंकल तो वो खड़े गाइस अंकल तो वो खड़े, अच्छा अंदर यहाँ से चले जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स गो गाइस अंदर लेके जाते हैं गाड़ी, टी डी डी ये तो लग जाएगी थोड़ा सा रिवर्स, और ये चलो फाइनली हम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं, चलो भाई सैम अंकल जी को राम राम कह के आ जाओ, राम राम अंकल जी क्या हुआ था, बहुत सोदा पानी रखा हुआ है, ले देख सैम पहले तो तू ये देख, ये होते डीजे वाला ट्रक, यहाँ बैठ के गाइस यहाँ से सिस्टम से डीजे चलता है, डिस्को दीवाने ओ हाँ तो यहाँ से मस्त कंट्रोल होता है,
चल अगली बार ना इसी इसी पे डीजे करवाओ, जब भी करवाओ कहीं फंक्शन फंक्शन होगा तो, है नहीं मस्त है, इसमें डीजे वगैरह मतलब स्पीकर्स वगैरह भी ऑलरेडी फिटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, है ना। चल देख लिया, मेन इसे ये देखना था। अब लेट्स सी गाड़ियां कौन कौन सी गाड़ियां, तो यार मस्त मस्त है यहाँ पे, पर जिस टाइप की मुझे चाहिए ना गाइस, देखो आपने आपको बता मैंने बहुत सुपर कार्स चला रखी है तो मेरे को ऐसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसे मैं दो बंदे ही बैठ सकते हैं, और फिर मेरे को आपको बताइए अकेला ऐसा नहीं चाहिए कि दो ही बंदे वाली कार लो, मेरे दोस्त भी है ऐसा भी होता है भैया माता जी को कहीं ले जाना पड़े, ऐसे दो दो वाली तो मैं नहीं ले जा सकता, ऐसी गाड़ी तो मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है। इस टाइप की गाड़ी अगर ये मॉडिफाई हो जाए ना यार एक नंबर की लगेगी गाइस। और ऐसी ही एक गाड़ी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, आपको याद होगा एक बार पिताजी भी लेके आए थे तो वो भी क्या गाड़ी थी, शाम को नहीं बैठे थे गाइस अंदर से पूरी फील लेने जिग्गू को है भूतनी के। चलो बढ़िया गाइस, और अब हम उस वाली लोकेशन में भी जाएंगे, शाम में जाना है, शाम को छोड़ देंगे पहले घर। और ये वाली गाड़ी का कुछ कलर इतना मस्त लग रहा है ना, कॉम्बिनेशन जो बना रखा है, पर वही बात है ना दो ही सीटर, क्या बात है, टायर क्यों घिस रहा हूँ जब लेनी ही नहीं है गाइस, मेरे को नहीं आई पसंद। गाइस आप में से किसी को कोई भी गाड़ी पसंद आई हो तो एक बार कलर बता दो कौन सी वाली गाड़ी आपको पसंद आई है, तो लेट्स गो चलते हैं, शाम को छोड़ के आते हैं, शाम मेरे को नहीं आई पसंद यार, शाम को छोड़ के आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो सीन है मैं आपको बताता हूँ। तो बस पहुँच गए हैं गाइस सैम को छोड़ने के लिए, एक बार सैम को छोड़ देते हैं और फिर आपसे तसल्ली से वार्तालाप करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं। सैम तो कह दिया रुक जा थोड़ी देर भैया इतना टाइम नहीं है, इसको कौन बताए, और इनको तो आज डरा ये भैंस की, सैम इनकी भैंस की रोज खड़े होते हैं ना इधर ये, हाँ क्या चाहिए तेरी भैंस की, क्या चाहिए क्या, जब एक बार कह दिया होता है यहाँ पे नहीं खड़ा होना, किस लिए खड़े रहते हो तुम, शर्म नाम की चीज़ होती है बंदे को एक, ठीक है आए तुम तुम्हारी ऐसी तैसी, हाँ ये इसका बाबा है मतलब पिक्चर वगैरह बनाता तो यहीं खड़े रहोगे तुम, चल बैठ सैम निकल जा तू घर की तरफ, हम जा रहे हैं फिर, लेट्स गो गाइस सैम यहीं से निकल जाएगी घर की तरफ, और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रुकने के लिए, लेट्स गो। अब सीन ऐसा देखो मैं आपको बता दूं, एक बंदा है सैंडी शॉर्ट्स में, उधर सैंडी शॉर्ट्स में पैलेटो बे में वो रहता है, और उससे बातचीत हो रही है एक कार के बारे में, कार आप बोलोगे यार क्या ही फुद्दू कार दे रहा है, पर जो कार है ना गाइस वो मेरे को एक नंबर की लगती है, क्योंकि विंटेज टाइप की थोड़ी सी कार है वो, और उसकी जो मॉडिफिकेशन है एक नंबर की हो रखी है, ठीक है। अब देखते हैं क्योंकि अंकल जी ने जिनकी वो कार है ना उन्होंने ये बोला था जो मॉडिफिकेशन वाली कार है उसका कुछ नहीं बोल सकते कि वो अभी स्टॉक वो बिक भी सकती है नहीं भी बिक सकती, क्योंकि उसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं लेने की, ठीक है। और एक है बिल्कुल सिंपल वाली, पर उसकी मॉडिफिकेशन एक नंबर की कर सकते हैं हम, तो इसी चीज़ में मैं कंफ्यूज हूँ, बस वो वाली बिक ना गई और अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे, मॉडिफिकेशन वाली बिक गई तो कोई नहीं मैं दूसरी वाली ले लूँगा फिर, तो दूसरी की भी मॉडिफिकेशन एक नंबर की हो जाएगी, तो लेट्स सी चलते हैं गाइस लोकेशन पे और वहीं जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस एक सैड न्यूज़ है, जो गाड़ी मुझे चाहिए थी जो कि पूरी मॉडिफिकेशन करवा रखी थी अंकल ने अपने ज़माने में, वो गाड़ी अब अंकल ने कहा कि वो ऑलरेडी बिक चुकी है, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, फिर मैं आते रास्ते तो ये सोच रहा है यार अब क्या करूँ क्या नहीं, फिर मैंने सोचा फिर दूसरी वाली कार ही देख लेते हैं, क्योंकि देखो जो दूसरी वाली कार है मसल कार है एक नंबर की कार है गाइस, वो भी ऐसा नहीं है पर वो स्टॉक गाड़ी, अंकल जी ने उसे मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखा, मगर ठीक है यार अब चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। और अंकल जी का एक ट्रक भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंकल जी ने क्या बना रखा अपने ट्रक को भी, बेसिकली अंकल जो है गाइस पहले ना एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे और अंकल अब रिटायर हो रखे हैं, और अपना पूरा यहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी कर लेते हैं लिटिल बिट, अंकल जी से अच्छी खासी पहचान है मेरी, तो यार अब देखते हैं गाइस क्या सीन हो सकता है क्या नहीं, पर आपको तो पता ही आर्मी वाले फिर कितने कम ही कार चलाते हैं आपको भी पता ही है, तो यही चीज़ें सोच के गाइस मैंने अपना ये सोचा है कि देखते हैं भैया अब देख ही आते हैं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह देखी नहीं थी फोटो में देखी तो बात ही कर रही थी, अब आज लेने के लिए आया पर ऑलरेडी वो बिक चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं जो मिलना होता है गाइस वही मिलेगा। अरे अंकल जी का घर कौन से वाला था ये रहा, याद आ गया ना मैं कंफ्यूज सा हो गया था, अरे अंकल जी भैंस की आँख क्या क्या खड़ा कर रखा अंकल ने, अरे मेरी कार कहाँ खड़ी करूँ मैं यहाँ खड़ी कर देता हूँ गाइस कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अंकल जी बाहर ही खड़े हैं मुझे दिख गए अंकल जी, चलो लेट्स गो। तो अंकल जी का गाइस जो ये काम कुम चल रहा है आजकल पिकअप ट्रक का कुछ ध्यान दे रहे हैं अंकल जी, जहाँ पे इनका पिकअप ट्रक एक तो इन्होंने काम के लिए लगा रखा है और एक इनका खुद का पिकअप ट्रक है वो दिखाऊंगा मैं अंकल जी को, राम राम कह दूँ राम राम अंकल जी। तो ये अंकल जी गाइस हमारे पहले यार आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे और अब तो ये फार्मिंग वगैरह कर लेते हैं लिटिल बिट छुट्टे वगैरह लगा रहे हैं आप देख ही सकते हो। अब मेन सीन जो है ये है अंकल जी का पिकअप ट्रक जो कि आप देख ही सकते हो कि यार कितना बेहतरीन बना रखा है अंकल जी ने यार, मतलब मॉडिफिकेशन देख रहे हो आप पिकअप ट्रक की, आई क्रेजी ये देखो खुल कैसे रहा है, तो यही बात है। और जो गाड़ी मैंने सोची है
उसका आज मैं फिक्स ही कर लेता हूँ यार, अब वही वाली लूंगा। आपके सामने जो नीली कलर की आपको दिख रही है ना डोमिनेटर, वही है गाइस कार। और ये देखो इसका इंटीरियर देख लो कैसा करा रखा अंकल जी ने, पिकअप ट्रक का इंटीरियर। क्या आवाज आ रही है गेट बंद हो रहा है जब। तो ये है वो कार गाइस जो अब मैं लेने वाला हूँ। आप में से काफी लोग बोलोगे यार ये क्या ही ले रहा है यार जिम्मी, कोई स्पोर्ट्स कार ले, सुपर कार ले, मैं मसल कार लूंगा। पर गाइस जो की है ये, एक बार मोड लेके अभी आधा पैसा दे दूँ, फिर आधा थोड़ा बहुत पिताजी से लेना पड़ेगा। मेरे को इतना है कि मैं आधे पैसे दे दूँ, 30-40% दे सकता हूँ मैं अभी। तो ये सीन है इसीलिए लेट्स सी। और ये देख सकते हो भाई क्या मस्त लग रहा है, कंडीशन देखो कार की, कोई नहीं बोल सकता इतनी पुरानी कार है और एक नंबर की कार है गाइस यार ये। तो इसकी मैं पेमेंट करने वाला हूँ। और ये देख सकते हो जो अंकल जी का जो लड़का है ये उसकी कार है गाइस, और ये कार अंकल जी ने ही मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो ये देखो ये अंकल जी से मैं तसल्ली से एक बार बातचीत वगैरह करी थी। ये देखो इंटीरियर बिल्कुल कितना मस्त कर रखा है यार इस कार का भी। वो देखो पीछे कैसे हिल रहा है इंजन, टू नो 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 नो, ये देख रहे हो भाई क्या बात है क्या बात है। ओहो ये तो 50% मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ गाइस, पहले एक बार पीछे कर देता हूँ इस वाली को क्योंकि मेरे को वाली कार एक बार चला के भी देखनी है। और अंकल जी से एक बार तसल्ली से बातचीत भी कर लेता हूँ कि कैसा है क्या सीन, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या फिक्स हुआ हमारा क्या नहीं, ठीक है अंकल जी। ये अंकल जी मज़ा आ गया, ये लो खर्च करके गाइस हमने फोटो खींच दिया, सही है सेव कर लेता हूँ मैं। और डील हमारी डन हो चुकी है अंकल जी को, मैंने 40% पेमेंट दे दी है, ठीक है जो मेरे को मेरे पास थोड़े बहुत पड़े थे। तो हाँ पिताजी के कार्ड में इतने थे, मैं क्या करूँ, हाँ भैया मैं कमाता थोड़ी होगा, इस पिताजी के कार्ड से पेमेंट करिए, पर इस वाले से मैंने 40% ही करिए, दूसरे कार्ड में ही पिताजी की मोस्टली पेमेंट वगैरह रहती है जो कि अब वो मुझे नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने छीन लिया था मुझसे, ठीक है। अंकल जी एक बार चला के देख लेता हूँ कार में, जब भी लेके जाऊँगा जब मैं पूरी पेमेंट कर दूँगा, ठीक है ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गाइस मैं कार जब भी लेके जाऊँगा जब मैं पूरी पेमेंट कर दूँगा। पर अब अंकल जी ने कहा चला के देख लो, अंकल जी तो वैसे भी कह देते मुझे चलाने के लिए, पर फिर भी यार एक बात होती है ना कि हाँ भैया आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो गाइस कैसी है तेरी भैंस की आँख। ओ पुराने ज़माने की है तो थोड़ा तो जोर लगेगा, तेरी भैंस की आँख। आराम से देखो अंकल जी ने कभी कुछ करा नहीं, मैं अभी 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 प्रसाद ना निकालते इस गाड़ी का गाइस, यही है ना, इसलिए आराम से प्यार से निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल चमक रखी है कार। चलो ठीक है तो ये देख सकते हो एक चक्कर लगाएंगे वाले हम अपनी गाड़ी को, हमने वो वाली खड़ी कर दी है। तो लेट्स गो गाइस, अब आप देख लो कि ये वाली कार कैसी है। हाँ थोड़ा रोड पे ज़ूम करती है चलने से पहले गाइस, ओ मेरी भैंस की भाई क्यों मेरे कार मेरे हाथ तो क्यों नहीं चलती अच्छी तरह। हल्की सी लिटिल बिट हुआ है जो भी हुआ है, पर यहाँ पे इतना सा भी निशान नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी इतनी वैसी वाली है ना गाइस, मस्त वाली है। देखो ये देखो यही बात है, ये देखो जोर लगा रही है देखो चलने में भी, पर जो भी है एक नंबर की कार है गाइस। ये देख रहे हो आवाज़ सुन रहे हो इसकी आवाज़ ही, अरे तू भाई ऐसे ऐसे बंद होते हैं अपनी गाड़ी के साथ औरों की गाड़ी भी ठुकवाते हैं, इसलिए गाइस मैंने शुक्र करो कट ले लिया। ये इतना मतलब थोड़ी चलने से पहले ये देखो क्या हो रहा है, आपके सामने रोक दी मैंने, अभी देखो स्टार्ट करूँ, अभी आगे पहले गियर पे लगाई और अब ये देखो ये इतना टाइम लगा और फिर खींचेगी गाड़ी। तो ये है इसमें, तो इसको लिटिल बिट मैं करवाऊँगा, जो काम भी होगा ना वो बैनी अंकल के द्वारा होगा गाइस, तो एक नंबर का काम होने वाला है। बोरा ना आपने सुनी लिया इसका, ये देख रहे हो उत्तर सिस्सा खुले मेरी गड्डी दा चोरी चोरी तेन तक दा, ये है ब्रेक भी हाँ ठीक ही है, ऐसे नहीं कह सकते गंदे ब्रेक है गाइस, सही है ब्रेक, ये अरे रे 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 भैंस की आँख। अरे ठीक है अंकल जी सॉरी मेरी गलती है, मैं गलत चला रहा हूँ गाड़ी। ये देख रहो गाइस साफ काफ़ी सही है, इसको घुमा के देखो, ये देख रहो, पर जैसे कि आज की गाड़ी होती है सुपर कार वगैरह में अभी तुरंत एकदम से वो हो जाती है रिवर्स, ये गाड़ी एकदम से रिवर्स नहीं हो सकती। तो देख रहो कैसे जा रही है, ये आता तो टायर घूमता पहले इसको करते हुए, यही बात है। चलो सही है जो भी है गाइस, सही आ गए हम गाड़ी लेके, ओ या लेट्स गो। तो जिग्गू को भी काफ़ी पसंद आई ये कार, अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि नहीं तू तो सैम के सामने बोल रहा था टू सीटर कार है नहीं लूँगा ये सब वो सब। भाई देखो ये चीज़ मुझे पसंद है और मेरे को ये लेनी है, मैं तो वो बहाने लगा रहा था, नहीं तो वो बोलती रहती अरे कुकड़ू को भी पाल रखे अंकल जी ने, कुकड़ू को। चलो सही है तो ठीक है गाइस, अंकल जी से डील डन हो गई, ठीक है अंकल जी हम भी चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, लेट्स गो जिग्गू। तो अंकल जी को आधे पेमेंट मैंने करी दी, अंकल जी ने मेरे को सब कुछ दिखाई दिया पेपर्स वगैरह जो भी थे गाड़ी के। अब आप देख लो यार इतनी पुरानी गाड़ी है कितनी प्यारी चल रही है और क्या ही चाहिए भाई बंदे को, है ना। तो यही सीन होता है गाइस, चला जिग्गू जल्दी बैठ यार इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, अरे बैठ तेरी ओ भाई भैंस की आंख, कुछ हुआ तो नहीं ना गाड़ी को, आंटी को भूत बना देता मैं सही में गाइस, मजाक नहीं दिमाग खराब। चलो लेट्स गो गाइस, आ आएगा ना मजा,
बाकी स्कॉर्पियो देखो, जैसे स्कॉर्पियो मैं चला रहा हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। देखो ये स्कॉर्पियो मैंने पेली, अभी एकदम से रिवर्स कर दूँ, उसमें बिल्कुल टाइम लगता है एकदम से, फिर वो हाँ वो रिवर्स होगी। और स्कॉर्पियो में ना इतना नहीं लगे, और सुपर कार में तो बिल्कुल नहीं लगता। ये देखो ये मैंने लगा दिया गियर, ये एकदम से होगी ठीक है, उसमें हल्का सा टाइम लगता है। अब देखो यार आप पुरानी गाड़ी है, इतना तो टाइम लगेगा ही ना। और मुझे पता आप में से काफ़ी लोग ये बोलोगे कि भाई ये क्या ही इसमें, इस कार में क्यों ही पैसे लगा रहा है, ये बेकार है, ये फुद्दू है। रुक जाओ थोड़ा टाइम दो, एक बार जब कराऊंगा ना मॉडिफिकेशन वगैरह, फिर आप बोलोगे यार क्या खूब लग रही हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो लेट्स गो, मुझे यहीं आना था फायर स्टेशन, सही है, सही जगह एंट्री मारी है गाइस। फायर स्टेशन में क्यों आना था, फ्रैंकल अंकल का कुछ काम था, वो काम भी करवा दूंगा मैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो होप करता हूं आपको भाई आज की वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ कमेंट में बता देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक ब्रांड वीडियो के साथ, और ये भी बता देना मुझे कार्स के बारे में जो जो मैंने आपसे पूछा। चंगा फिर अगली एडी।